स्थापित 2221 प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के तहत रिनोवेट किया जाना था, लेकिन यह योजना परवान चढ़ नहीं सकी। परवान चढ़ी भी तो एक तिहाई स्कूलों में ही इसे लागू किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय मुसीबतपुरवा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर इस योजना के तहत कोई भी काम नहीं करवाया गया है। बच्चे आज भी बदहाली की स्थिति में पढ़ने पर मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमें हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हमें बैठने से दिक्कत होती है, बस्ता भी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में कोई परेशानी होती है? हाँ, लोग पढ़ नहीं पाते, और क्या समस्या आती है? पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आती है बेटा? क्या समस्या आती है? और क्या होता है, डरो ना, बोलो। इसमें बेसिकली टारगेट है 15 जनवरी से 21 जनवरी तक रेनोवेट करके अच्छा से टाइप दरवाजा, बच्चियों के शौचालय, हैंडपंप, ये सब हमको स्कूल का अच्छा करा है। और अच्छे खासे दिवाली के अभी बीएसए और एबीएसए स्कूल में मॉनिटरिंग के तौर पर लगाया गया है कि आप रेगुलरली इसको जाकर देखेंगे, फीडबैक देंगे, जो जो इसमें कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस विद्यालय में ना तो आज तक कायाकल्प योजना के तहत कोई काम किया गया और न ही इन बच्चों को इस जर्जर भवन से छुटकारा मिल सका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी दावे जो किए जा रहे हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक सफल है, और क्या इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, ईटीवी भारत के लिए।